दादा चक्कर है, बैठा कैसे हुआ? बोलू बोलू, आजकल कौन दोनों ने नया काम पकड़ लिया? नेक्स्ट पार्ट है नमक, क्योंकि अभी इसका काम ही नमक है। फाइनली जी, अब देखें कितना अच्छा लग रहा है। मछलियां भी छोड़ दी पानी। हाँ, सुस्ती उठ गई है, सस्ती है ये सुस्ती। ज़ैनब तो सो रही है। कार क्या रहे हो? ओ, मोबाइल के डब्बे में क्या? एक और चीज़ देखो। हेलो, ये ज़ैनब का बैग है। हाय हाय, सारे मर गए। Assalamualaikum. Alaikum assalam. Welcome back to another vlog. उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी किया करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरे आने वाले जो लोग सामने का नोटिफिकेशन, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि आपका यूट्यूब पे आ गया तो छा गया ठा करके। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जरा खराब है यार, माजरत आवाज से माजरत कर दो, जरा नहीं ठीक हुआ। अरे बात हो, हादसे का टाइम यार, जख्म हो गए हैं। चाय साथ में खा रहा हूँ, और हमारा बाबा चीत बंद और मक्खन लगा के ना बंद पे। वो बाबा जी क्या कर रहे हैं? बाबा जी खराब हो जाएगा। मैं बच्ची वो लगा हुआ था, पागल हुआ है। तो मैं कर के नाश्ता मिलता हूँ आपसे यार, बोला ज़्यादा अंदर जख्म हुए हैं कहने में, तो फिर दवाई भी लेने जाएंगे। बाबची आ गया, बाबची। तो जी नाश्ता वगैरह मैंने कर दिया था, खाया नहीं जाता, गुदगुदी होती है। वो चाय पीऊँ था, वो अंदर जाके लगे जख्मों पर, दर्द भी होती है, गुदगुदी भी होती है, कोई हाल नहीं। तो वही ना भी लेटा, मैं सोचा मैंने मैं दूसरों को मार लगता हूँ, आज मैं बीमार पड़ा हूँ कल से। कोई बात नहीं, हम जज्बा जुनून तो हिम्मत ना आ रहा, हम लोगों को बीमार डाले रहे, खुद बीमार बैठे हैं। कोई बात नहीं, अभी हो जाएंगे तंदुरुस्त, बस एक डोज लेंगे जाके वो ठीक हो जाएंगे। और इधर देखें, इनको साफ़ करने को, इनका पानी ना बड़ा गंदा हुआ हुआ है। मैं कहा अभी पानी आता रहा घंटे तक, तो फिर इनका पानी साफ़ करना बड़ा गंदा हुआ हुआ है इनका पानी। ये भी आपको नहीं हो रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कैसे हुआ हुआ गंदा। ये देखिए, ओए साफ करते हैं इन्हें, पानी आता तो। दादा चक्कर है, बैठा कैसे हुआ? गोलू बोलू, आजकल गोलू ने नया काम पकड़ लिया। गोलू चिक्कियाँ काटता आके। चुप कर बे कुत्ते। ये देखें, जब चक्की काटने आ रहा है, चक्कियाँ काटता है आजकल। हाँ, चक्कियाँ काटता है, नया काम पकड़ लिया। तेरी की सेठ साहब जा रहे हैं, और बाबा जी आ गया। बाबा जी ना है अभी, है बाबा जी। गोलू के पंगे बाबा जी के, और बाबा जी गोलू तो जा रहा है। गाइस रजा आ गया था, मैंने रजा को चलाया एक्वेरियम साफ करें, क्योंकि ये वीडियो बनाएगा ना मैं साफ करूँगा। तो पानी वगैरह मैं बाल्टी में ले आया था, जिसमें लगा लेंगे मछलियाँ। क्या कह रही हो? फोकस रखें। क्या कह रही हो? मैं भी करूंगी। ये देख निकलने लगी है। वे वो ध्यान से नीचे ना गिर जाए। फंस गई थी, फंस गई। यस लॉर्ड, फंस गई थी। ये देखो निकल ध्यान से। अरे बड़ी फंस जाती है। चाचू जी मेरी भी खालो छोटी छोटी है। यार तो चल पीछे पीछे आ गई। ओए ओए डंडा किस का चले है? शार्क फंस गई है। गई नहीं, इसको क्या हुआ? गई शार्क में फंस गई है। छोड़ो, ए इसकी कोई कंडे वाली सबर का, इसकी कंडे वाली चीज फंस गई है। जान पहले शार्क के साइड पे आपका क्या काम है? गाइस बीच में घुस दिया। गाइस ये देखें, मछलियां निकाल दी थी मैंने। मैंने कहा इधर भैया आप क्या कर रहे हो? बजरी साफ करूं, गंदे पानी यहां डाल रहे हो। सही होता वो पंप नहीं है ना, बोला ना मैंने।
पानी देख कितना गंदा है। ये उधर कैमरामैन थोड़ा पीछे हो, आप गाइस को दिखा नहीं रहे। देखें कितनी हसीन नसीन है। मेरे साहब को तो इतनी गंदी है देखा, तभी मैंने कहा बीमार भी है तो क्या हुआ, इसको हम साफ करते हैं आज। कौन बीमार है? मैं। मछलियों में से बात करो। देखो नेक्स्ट पार्ट है हमारा नमक, क्योंकि अब इसका काम ही नमक है। नमक क्यों होगा, शीशे साफ करने हैं, शीशे से बेस नहीं बेमिसाल नमक साफ हो गया नमक। और ये देखे शिकार के लिए नीचे, मछलियों के शिकार के लिए खड़े हैं नीचे शिकारी। ये देखें गाइस शीशा कैसे साफ हो रहा है अंदर से। बजरी अभी भी गंदी है, जब ये नमक का कर लूँगा ना मैं, फिर बजरी के अंदर एक और दफ़ा वॉश होगी, पानी के निशान पड़ जाते हैं। स्पंज ये देखें गाइस स्पंज से कर रहे हैं। हाँ बता नहीं देते जिसे कैसा रहता, साफ होएगा भी देखो चमक जाएगा। ये देखने में आसान है, बड़ा मेहनत लगा काम है। अब आ गया मेन पानी का प्रोसीजर, ये पानी की बात है। बड़ी मेहनत वाला काम है, अब आधा घंटा इसमें इसको आधा घंटा लगता है बनने में। पाइप नहीं है, मतलब मैंने पाइप से भर लेना था इसको इजीली, वो फिर 10-15 मिनट में भर देता है। बस पाइप को छोड़ दो ही ना भर जाना। यार कमर दर्द है, अभी पंगा ले बैठा बीमारी में। मैं कहा चल कर देते हैं, मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे क्या पता था कमर दर्द हो रही है। तो फाइनली मैं को दिखाता हूँ, कर दिया चल गया, साफ सुथरा हो गया सब। बस बेटा भाई ये 20 मिनट चलेगा, दवाइयाँ डालनी है, फिर इसमें डालेंगे मछलियाँ। फाइनली जी अब देखें कितना अच्छा लग रहा है, मछलियाँ भी छोड़ दी, पानी साफ हो गया अब कैसा नीट एंड क्लीन। मछलियाँ कहती हैं बाजी में हमारा घर साफ हो गया नहीं है ना। अब 20-25 दिन बाद, 25 दिन बाद की गया मैंने, 20-25 दिन बाद ना, फिर 20 के दिन बाद करूँगा। अच्छा जी खाने में बने आज आलू भले चावल भाई साहब। सड़ गया मैं, सड़ गया। वाजीबा आलू वाले चावल मज़ा आएगा भाई साहब, थोड़े से ही खाएंगे थोड़े से ही खाऊंगा। खाना वाला खा दिया तो यार खाया ही नहीं जा रहा जी, बड़ी अभी भी स्टेप्सल आपका भाई स्टेप्सल डाली, मज़ा आराम मिल जाता है गले को। डॉक्टर में नहीं लगता, मैं मुझे डर लगता है टीके से, टीका लगा देगा उसकी वजह से मैं नहीं डॉक्टर पे जाता, ड्रिप भी लगा देते हैं डॉक्टर ने मेरे को डंग पकड़ा, कभी टीका लगा देंगे कभी ड्रिप लगा देंगे। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर भी किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेंगे ताकि मेरे आने वाले न्यू ब्लॉग्स का मिलेगा आपको नोटिफिकेशन। तो इसके साथ करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वो क्या कर रही हैं, खुश हुई हैं दाना खा के। ओए ओए ओए।